तेलुगु योद्धास बनाम गुजरात जायंट्स हम मौजूद है जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक में। दोनों टीम्स के बीच में सबसे बड़ा फासला उनका डिफेंस है और क्यों है वो ये टीम रन साबित कर रहा है। कप्तान साहब की पारी इस टर्न में समाप्त हुई। वैभव ने भी टच किया लेकिन ड्रीम रन पूरा। तो ये डिफेंस में कंजूसी कर करके विरोधी की नाक में दम कर देते हैं। चार पॉइंट का ड्रीम रन नंबर पांच। तो प्रसाद की दोस्ती अरुण गुलकी के साथ काफी है, उनसे वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आज मैच आने का मौका मिला, वो ज्यादा नहीं चले लेकिन अरुण गुलकी चले हैं, ड्रीम रन आया है। अकेला बचा डिफेंडर यही करता है कि जो बैठे हुए अटैकर है उनके पास पास जाए, दूर ना जाए। ड्रीम रन नंबर दो। तीन और सेकेंड, तीन पॉइंटर ड्रीम रन आ चुका है। तीन और पॉइंट कमा लिया आपने। ओहो वजीर सामने आ गए, यहां से बच पाना आसान नहीं होने वाला है। स्काई डाइव भी आई है, यहां भी ड्रीम रन ज्यादा दूर नहीं लगना चाहिए। दीपक माधव कमाल के खिलाड़ी हैं, 12 ड्रीम रन लगा चुके हैं, दर्जन हो गए और अब 13वां लकी 13 ड्रीम रन। ड्रीम रन आ चुका है गुजरात जायंट्स अब 21 पे। डिफेंडर और अटैकर के बीच में सिर्फ एक ही चीज बताता है वो ये है कि डिफेंडर वक्त की समाप्ति पे ड्रीम रन भी लगाएगा और सेफ भी रहेगा। यहां नहीं छोड़ रहे प्रभु, 5 सेकंड में 2 टच। अब बचे हैं मतलूम, उनके साथ में अनुकूल भी पिछली बार जब आए थे ज्यादा समय मैच पे नहीं बिताया था। शायद विकास साहब को चिंता होगी, ये स्काई डाइव लगी है, ये पॉइंट लेके जाने वाली स्काई डाइव है। इस टर्न की समाप्ति के बाद गुजरात जायंट्स कितने समय के लिए तो पता नहीं मगर टॉप पे जरूर जाएगा।